आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, ड्राइव करने से पहले गाड़ी को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इस गाड़ी में कोई ऐसा पुश बटन चाबी लगाने का फीचर आपको नहीं मिलेगा। गाड़ी कैसे करनी है, एक बार जैसे आप मान लो दरवाजा खोल के आते हो, ठीक है, आप गाड़ी के अंदर बैठे तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, ब्रेक पैडल को दो बार दबाना है, दो बार दबाते गाड़ी इज रेडी टू गो, जस्ट शिफ्ट इट टू ड्राइव मोड एंड देन शूट। अगर बंद करना हो तो कैसे करोगे, उसके लिए क्या है कि नीचे जहां बोनेट खोलने का जो है बटन है, लीवर है छोटा सा, उसके जस्ट राइट में आपको किल स्विच है, ठीक है, वो आपको करना है, गाड़ी बंद हो जाएगी। अब चलते हैं, ब्रेक दबा के ही जो है इसको ड्राइव में शिफ्ट करना है। एंड जैसे मैंने बताया था, इट कम्स विद थ्री मोड्स, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। तीनों मोड में एक बार चला के देखेंगे अगर हमें रोड उस तरीके का मिला तो। चलो आपके आपसे मैं तब तक बैटरी से रिलेटेड भी कुछ बातें डिस्कस करूंगा। बैटरी जो है वो प्रिज्मेटिक सेल्स से बनी है और काफ़ी तरीके के उस पर जो है स्ट्रिंजेंट टेस्ट किए गए हैं बैटरी पे। इस गाड़ी को चार्ज करने का जो कॉस्ट आता है पर मंथ, दैट इज 519 रुपीज़। पूरे महीने का जो कॉस्ट है वो 519 रुपए इस गाड़ी को चार्ज करने का, जो कि लगभग 10.5 घंटे ले लेती है। गाड़ी का विंडशील्ड का एरिया बहुत ही कमाल का, बहुत वाइड है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि कुछ सब कॉम्पैक्ट SUVs हैं उनसे भी ज्यादा है। और कलर स्कीम क्या, मतलब क्या सोच समझ के चूज करी है हम जिन्हें, शानदार। जब धूप पड़ती है जो निखर के आता है ना गाड़ी का कलर, शानदार है यार। अब चूंकि गाड़ी में जो मोटर है वो पीछे लगी है, इट्स अ रियर व्हील ड्रिवन कार, तो आपको जब चलाओगे जैसे रेस पैडल दबाते हो तो थोड़ा सा पीछे की साइड से जो आपको मोटर की आवाज आएगी। यहाँ से मैं राइट लूंगा आगे ना, क्योंकि भीड़ बढ़ती जाएगी, तो मैं वापिस ही लूंगा। एक चीज और अच्छी है, जितनी मर्जी धूप पड़े आपको जो डिस्प्ले के कलर है एज इट इज दिखाई देते हैं। मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो भी डिजिट्स है, इतनी धूप पड़ रही है सामने से फिर भी मुझे कोई जो है इसके ऊपर शेडो नहीं पड़ रहा, वो जो है रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, मुझे क्लियरली यहाँ से विजिबल है। चलो स्टेयरिंग रोटेशन देखते हैं। आए क्यूट सी छोटी सी गाड़ी, लेकिन जब चलाओगे ना बहुत ही बढ़िया है। अब लेट्स स्विच इट टू स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स अब क्या है, स्पीड जल्दी अटेन करती है। विंड नॉइज है थोड़ी बहुत गाड़ी में, दोनों साइड से आएगी, तो जैसे आप मान लो जाओगे 70-80, ये वाली स्पीड जो आप रेंज जब क्रॉस करोगे तो आपको विंड नॉइज आनी शुरू हो जाएगी। सस्पेंशन जो आगे वाले हैं वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं, पीछे वाले थोड़े से स्टिफ हैं। रीजन हो सकता है क्योंकि गाड़ी का जो है पीछे मोटर भी लगी है, तो मोटर का वेट जो है वो भी झेलने के लिए सस्पेंशन पीछे वाले को थोड़ा सा स्टिफ रखा गया है। आगे वाले बहुत ही उम्दा काम करते हैं इसके सस्पेंशन, मुझे तो पसंद आए। वाइपर जो आपको भाई जो मार्केट में आप लोग डलवाते ना एक्स्ट्रा पैसे दे के, मर्सिडीज BMW वाले, वो वाले तो वाइपर दिए गए हैं गाड़ी में। और मिरर बहुत ही अच्छे साइज के हैं। यहाँ थोड़ा सा खुला रोड है, देखो अभी गाड़ी की तरह 69-73। तो ऐसे कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज नहीं है, कट वट मारोगे तो दिक्कत आएगी, वहां है थोड़ा सा डर रहेगा कंसीडरिंग द साइज ऑफ द कार एंड द शेप स्पेसिफिकली। दिस कार इज अ परफेक्ट फिट फॉर डेली कम्यूट, जिसको ऑफिस जाना है, घर से ऑफिस जाना है, कोई तीसरा काम नहीं करना है, कोई हवाबाजी नहीं करनी, जैसे लिट्टी चोखा खाने जाना है, मोमोज खाने जाना है, उनके लिए ठीक है। जो 20-20 किलोमीटर बिना सोचे समझे चाय पीने चले जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी गाड़ी है, खर्चे की कोई टेंशन नहीं है। महीने का अगर 519 रुपये बिल आ रहा है भाई इसका बिजली का, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही गाड़ी है। आगे दो एडल्ट अच्छे खासे बैठ सकते हैं, पीछे बच्चे बैठ पाएंगे। ब्रेक बाइट वैसे चेक कर लेता हूँ, हार्ड ब्रेकिंग तो नहीं करूँगा। ओए बहुत ही बढ़िया है, ये जो पीछे आवाज़ है ये कुछ मेरा ट्राईपोड पड़ा हुआ है, कैमरा इक्विपमेंट है, और एक आधा और बॉटल वॉटल पड़ी है, उनकी आवाज़ है। कस्टमाइजेशन गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर आप अपने हिसाब से करवा सकते हो। आई थिंक 3 or 4 ऑप्शंस हैं, क्योंकि MG ने डिस्प्ले किया था तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन चूज़।
सही बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दिस। गाड़ी के अंदर बैठ के जब चलाओगे आपको नहीं फील होने वाला है कि आप एक इतनी छोटी गाड़ी चला रहे हो। समझ रहे हो? कीमत जो है गाड़ी की अभी कुछ भी नहीं पता है, ऑफिशियल लॉन्च या प्राइस रिवील ऐसा नहीं हुआ है, बट वी कैन एक्सपेक्ट इट अराउंड 10 लाख एक्स शोरूम। कहीं भी मतलब 9 से 11 लाख के बीच हो, ये हो सकती है। देख लो, जो मुझे रेगुलर देखते हैं वो देख रहे हैं कि मैं जैसे अपनी बाकी गाड़ी जहाँ गाड़ियाँ चलाते हूँ वैसे ही चला रहा हूँ, और मुझे अभी तक तो कोई कंसर्न हुई नहीं है गाड़ी को चला के। ड्राइविंग से रिलेटेड अगर एक ईवी की बात कर ली जाए, सबसे पहले सिटिंग कंफर्ट, जो कि मैं अभी तक बताना भूल गया हूँ। सिटिंग कंफर्ट गाड़ी का मेरे हिसाब से तो सही है। अगर मैं सीट की विड्थ में बताऊँ, एकदम मेरी जो बैक के बराबर है, तो अगर मेरे जैसा कोई लीन है, ठीक ठाक हेल्दी है, उसके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी होगा, ज़्यादा छोले कुलचे खाए रहे होंगे, तो आई एम नॉट श्योर। आप अपना गाड़ी जब जो है लॉन्च हो जाएगी, रिवील कर दी जाएगी ऑफिशियली, विजिट द शोरूम, सिट इनसाइड द कार एंड हैव योर ओन एक्सपीरियंस ऑन इट। और क्या होता है, ब्रेकिंग होती है जो मैं काफ़ी चेक करता हूँ, ब्रेक बाइट है गाड़ी में, खींच के मैं मार नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वैसा जो है यहाँ पे स्पेस नहीं है। और बच गया स्टेयरिंग फीडबैक, अभी देख लेते हैं। रोटेशन तो ठीक थी, स्टेयरिंग मेरे ख्याल से अच्छा है गाड़ी का। ना हल्का है और ना हैवी है, स्टेयरिंग में मजा आ रहा है। इनफैक्ट एक चीज अच्छी है, बोलनी पड़ेगी, टच स्क्रीन में अभी भी एज इट इज लाइट है, मतलब जैसे धूप पड़ रही है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो भी मुझे सेम ही दिखाई दे रहा है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा, मुझे कोई देखने में दिक्कत नहीं हो रही है, कोई साइड के ट्रैफिक की शेडो नहीं है जो है वो पड़ रही है इमेजेस के ऊपर। फिट एंड फिनिश इज ऑल्सो गुड, आपको गैप अनइवन जो है वो नहीं दिखाई देंगे गाड़ी में, एटलीस्ट नॉट इन इंटीरियर। एक्सटीरियर का विल चेक आउट। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑड जगह पे दी गई हैं, जैसे 12 वोल्ट का नीचे दिया गया है, वो सामने दिया जा सकता था, वो पता भी नहीं चलेगा किसी को। और मान लो हैजार्ड का ऊपर है, चलो आदत पड़ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा जाके, वो सामने लग सकता था, कुछ रहा होगा साइज कंस्ट्रेंट्स कि नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है आप अपना जो भी कैन वैन रखोगे, बॉटल रखोगे, तो ये उसको भी ठंडी रखेगी। ये जो है अच्छा स्पेस, मेरे ख्याल से एक टच यहाँ पे सही दिया गया है, छोटी बोतल रखिए और देखिए फिर उसको ठंडी करके पीजिए। ब्रेक्स अच्छे हैं यार गाड़ी के, सच में अच्छे हैं, कंट्रोल अच्छा है गाड़ी का। मैं तब से ऐसे चला रहा हूँ, थोड़ी रैश ड्राइविंग टाइप, और कंट्रोल मेरा तो भाई अच्छा खासा है गाड़ी पे। बस टायर प्रेशर थोड़ा कम हो जाए ना, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है गाड़ी। गाड़ी अब चूंकि मैं काफ़ी किलोमीटर, जैसे 60-70 किलोमीटर्स, और इवन मोर देन दैट, अराउंड 90 किलोमीटर्स में गाड़ी चला चुका हूँ, आई कैन कॉन्फिडेंटली से गाड़ी चलाने में बहुत ही तगड़ी है। मैन्यूवर करना इतना, इसको इतना इजी है, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि इसको कर लेके कटवट मत मारना, मैं सारे वो काम कर रहा हूँ। स्टिल मैं ऐसा प्रोवोक आपको नहीं करूँगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसे कट मारो, लेकिन गाड़ी स्टेबल है, ऐसा नहीं है ब्रेक मार के पूरी घुमा दी, वो नहीं करना है। बाकी आप कटवट मारो नॉर्मल, अगर मान लो दिल्ली शहर में चलाते हो तो वो तो आपको पता ही भाई करना पड़ता है, वो कर सकते हो अगर करना पड़ता है, स्टिल आई डू नॉट रिकमेंड कि आप वो सब करो। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ द कार इज केपेबल ऑफ दैट, गाड़ी वो कर सकती है अगर आपको करना है। और मेरे ख्याल से बस एक विंड नॉइज की थोड़ी सी दिक्कत है, अब काफ़ी बढ़ गई है एक्चुअली, विंड नॉइज नीचे से भी आना शुरू हो गई है गाड़ी के बॉटम साइड से, और साइड से ये अपने जो विंडोज हैं इनके साइड से आवाज़ आना शुरू हो गई है, तो बस एक वो चीज़ है। बाकी गाड़ी चलाने में मज़ा आना चाहिए यार, मुझे तो आ रहा है, बाकी का पता नहीं। सो गाइज, आई विल कंक्लूड दिस वीडियो नाउ विद माय रिव्यू। गाड़ी के साइज़ के हिसाब से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड आपको कराती है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो कि साइज़ को अगर कंसिडर करें तो आपको ज़्यादा कटवट अगर नहीं मारोगे, सलीके से चलाओगे गाड़ी, तो बहुत ही प्यारी गाड़ी चलती है, बहुत स्पेसियस है। निगेटिव जो है एक गाड़ी का जो है विंड नॉइज़ है थोड़ी बढ़ जाती है अगर 70-80 की स्पीड क्रॉस करते हो,
बाकी साइज से रिलेटेड, परफॉर्मेंस रिलेटेड, पिकअप एंड ब्रेक, यू आर नॉट गोना फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस MG न्यू कॉमेट EV. तो यू कैन गो फॉर इट. और येट टू बी लॉन्च्ड, प्राइस जो है रिवील है, एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या हैं, और ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, बूट क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस कितना, आर येट टू बी लॉन्च्ड. एंड टेल मी ये वीडियो आपको कैसे लगा, इनफैक्ट एक गाड़ी आपको कैसे लगी. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.